अस्य श्री सप्तशतिका देवी कवच स्तोत्र महामंत्रस्य मार्कांडेय ऋषिः अनुष्ठुप छंदः शक्तित्रय स्वरूपिणी महारूपिणी भगवती दुर्गाख्या श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता राम बीजं ह्रीं शक्तिः रूम कीलकं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ओम शंभुतेजो ज्वालामालिनी पावैक्यै ओम राम नंदायै हृदयाय नमः ओम शंभु ओम ह्रीं रक्तदंतिकायै शिरसे स्वाहा ओम शंभु ओम राम शाकंभैर्यै शिखायै वशट ओम शंभु ओम ह्रीं भीमायै कवचाय हुम ओम शंभु ओम ह्रौं भ्रामर्यै नेत्रत्रयाय वौषट ओम शंभु ओम ह्रः शिवदूत्यै अस्त्राय फट ओम भूर्भुवः स्वरूमिति दिग्बंधः शंखचक्र धनुश्चरांश्च दधतीं विभ्रामितां तर्जनीं सव्ये चक्रमसीं महेशुमितरैस्तिरियक् त्रिशूलं भुजैः सन्नद्धां विविधायुधैः परिवृतां मंत्री कुमारी जनैर्ध्यायेधिष्टवरप्रदां त्रिनयनां सिंहादिरूढां शिवाम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आं गं लं सर्वजनसम्मोहिनीं चंडिकायै नमः ओम नमश्चंडिकायै जयत्वं देवी ओम नमश्चंडिकायै मार्कांडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रोहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखाभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनां तेषां सिद्धिप्रजायते प्रेत संस्थातु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिकिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाग्नमायुधमुत्तमं खड्गं चर्मं त्रिशूलं च पट्टसमुद्गरं तथा दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामाभयाय च धारायन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनीं पट्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गदारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षे द्वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां रक्षकौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ददास्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षे दुमा मूर्ध्नी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे द्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गदारुण्यभौस्कन्दौ बाहू मे वज्रदारिणीं हस्तयोर्दण्डिनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनश्शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेण्ड्रं मे ऊरु महिषवाहिनी जङ्गे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामित तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी नखान्दष्ट्राङ्कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्थता ज्वालामुखी नखज्ज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणीं प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षे द्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रादिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिका यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजा कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता
दैवी कला भवेतस्य त्रैलोकेश्वपराजिता जीवेद्वर्षतं सागरमपमृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जंगमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा केचराश्चैव जलजाशोपदेशिका सहजाः कुलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगंधर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तो कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तती पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायप्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति वाराहपुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचं संपूर्णम् श्री जगदम्बार्पणमस्तु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताचि श्री निर्मला देव्यै